दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं काला जामुन। और काला जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी खोया। खोया मैंने घर पे ही दूध से बना लिया था और ये मार्केट का खोया नहीं है, ये पूरी तरीके से प्योर खोया है। इसको बनाने के लिए मैं खोया मेरा फ्रिज में रखा हुआ था तो उसको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। इसे हाथ से मसल मसल के क्रम्पल करके कुछ इस तरीके से इसे सॉफ्ट कर ले। ये जितना सॉफ्ट रहेगा उतना ही अच्छा बनेगा। जब मैंने मैदे को पूरी अब मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 1.5 चम्मच मैदा और इस मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा करके इस खोए में डालूंगी। मैंने खोए को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। इसको मैश करने में मुझे लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं। मैदे को थोड़ा थोड़ा आधे आधे चम्मच करके मैं इसमें डालूंगी और इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। मैदा हमारा इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जब हम इसको घी में जब डालेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और साथ ही हमारे बिल्कुल खिले खिले गुलाब जामुन बनेंगे। इसीलिए इसमें मैं मैदे का प्रयोग जरूर करती हूँ। अगर आपके पास मैदा नहीं है या फिर अगर आप इसे फलाहार की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें अरारोट का यूज करें। आज मैं इसमें मैदे का यूज करके बना रही हूँ इसे। फ्रेंड्स इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मैश किया बट अभी भी इसमें थोड़ी रफनेस मुझे लग रही है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। और ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है और उसको मैं आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद फिर से इसे मैं मैश करूंगी। इसको बिल्कुल हमें सॉफ्ट डो बना देना है। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं इसे एक गीले हैंकी से ढक दूंगी। मैंने कॉटन के हैंकी को गीला कर लिया है और अब मैं इसे ढक दूंगी और ये हमारा अब रेस्ट कराऊंगी इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स के लिए। ये इसको मैं रेस्ट में रख दूंगी। दोस्तों तब तक हम इसके लिए शुगर सिरप बना लेते हैं और उसके लिए मैंने इस पैन में इस कटोरी से एक कटोरी चीनी डाला है और साथ ही मैं आधी कटोरी चीनी और डाल रही हूँ। 1.5 कटोरी चीनी के साथ हम डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। मैंने 1 कटोरी पानी डाला और साथ ही हम आधी कटोरी और पानी इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो रहेगी और साथ में इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। इसे मैं चलाती रहूंगी, कुछ देर में हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी चीनी थोड़ी सी भी गंदी हो और इससे अगर आपकी चाशनी का कलर ट्रांसपेरेंट जैसा ना आ रहा हो, साफ ना लग रही हो चाशनी, तो मेरी भी चाशनी साफ नहीं मुझे लग रही है तो मैं उसमें दूध डाल दूंगी, इससे हमारी चाशनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है उसको इसमें डाला और डालते के साथ आप देखेंगे कि चाशनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए हमारी चाशनी में जो गंदगी है वो किनारे में कलेक्ट होने लगी है और अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसे निकाल लूंगी। बिल्कुल अब चाशनी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आपकी चाशनी चीनी जो है वो थोड़ी भी गंदी है तो इस तरीके से कर लेने से बिल्कुल साफ चाशनी बनती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाशनी बनती है। आप खुद ब खुद इसमें देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी निकल रही है। जो भी चीनी में डस्ट था वो पूरा ऊपर कलेक्ट हो रहा है और उसे मैं स्पून की हेल्प से निकाल ले रही हूँ। और अब हमारी चाशनी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। दोस्तों हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है और इसको जब हम हाथ में लगाएंगे और इसको देखेंगे तो ये चिपचिपा सा होगा, जैसे हमारे हाथ में ऑयल लग जाता है तो जितना चिपचिपाता है वो उतना ही चिपचिपा होगा, उससे ज्यादा या उससे कम हम लोग चाशनी को नहीं रखेंगे। ऐसा करने से हमारी चाशनी गाढ़ी या पतली हो सकती है, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं।
आप देख सकते हैं इस ट्रिक के साथ ये चाशनी कितनी ही ट्रांसपेरेंट बनी है, बिल्कुल मजेदार। और साथ ही इस तरीके से इस चाशनी को आप बनाएं। गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं डो पे और डो को मैं फिर से एक बार मैश करूंगी और आप डो को फील करेंगे कि ये काफी लाइट वेट हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट इसका टेक्सचर मिलेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट आपको लगेगा, आप उंगलियों से इस तरीके से टच करके देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर का मिलेगा। और अब मैं इसका एक रोल बना रही हूं। इसकी छोटी छोटी लोइयां मैं तोड़ लूंगी क्योंकि ये जब हम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज, तो इसीलिए लोइयों को हम छोटी ही लेंगे। ये फूल जाते हैं जब ऑयल में जाते हैं और साथ ही जब हमारे शुगर सिरप में भी ये जाता है तभी भी ये काफी फूल जाता है, तो इसीलिए इनिशियली इसका साइज हम छोटा ही रखेंगे। एक लोई को मैंने लिया और उसको अपनी हथेलियों के बीच में घुमा घुमा के बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाएंगे और इसमें इतने सॉफ्ट हाथ से इसे हम अपनी हथेलियों पे रोल कराएंगे। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस पीस में कहीं भी कोई भी क्रैक नहीं मिलेगा। अगर इसमें क्रैक रह जाता है तो वो जब ऑयल में जाता है तो वो फूट जाते हैं, वो आपके गुलाब जामुन ऑयल में ही टुकड़ों में हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं उसमें, तो इसीलिए इसको इतने सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल रोल करा करा के इतने सॉफ्ट बनाएं कि ये इसमें कोई भी क्रैक न रहने पाए और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल मार्केट जैसे, हलवाई जैसे खिले खिले बनेंगे। दोस्तों हमारी ऑयल मीडियम हॉट गर्म हो चुका है और इसमें मैं गुलाब जामुन को डाल दूंगी। उसके ऊपर से हम लोग ऑयल की लेयर डालेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल यहाँ पे यूज किया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे गुलाब जामुन फूल रहे हैं। इसका मैं क्लोज व्यू आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाजवाब गुलाब जामुन बन रहे हैं क्योंकि ये हमारे लाइट वेट हो गए हैं। अगर ये ऊपर ना आते ऑयल में तो ये उतने परफेक्ट ना बनते, बट ये हमारे ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है रेसिपी हमारी। इस तरीके से आप गुलाब जामुन को ट्राई करें और ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और इन गुलाब जामुन को आपको डीप फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं और तब मैं इन्हें डालूंगी चाशनी में। दोस्तों इसे गैस में फ्राई करके तुरंत इसे चाशनी में डालें। चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और तब मैं इसको मैं साइड में तलतल के और साइड में इधर डालते जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से गुलाब जामुन को आप ट्राई करें और मैं आपको ट्रस्ट दिलाती हूँ कि बहुत ही अच्छी गुलाब जामुन बनेगी। दोस्तों इसे शुगर सिरप में डाल के इसे आप इसी में रेस्ट होने दें और शुगर सिरप में ही बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर की ओर आ जाने चाहिए। इट मींस हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर ये आपके बॉटम में बैठ जाते हैं इट मींस गुलाब जामुन में कुछ कमी रह गई है, बट जैसा आप देख सकते हैं चाशनी में ये बिल्कुल ऊपर की ओर तैरते हुए नजर आएंगे। इट मींस हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों अगर आपको किसी फ्लेवर का चाहिए, जैसे कि इसमें आप शुगर सिरप बनाते वक्त हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते थे, या फिर अगर इसे केसर का टेस्ट देना है तो मैं इसमें केसर भी डाल सकती थी, या फिर अगर आपको इसमें कोई भी फ्लेवर चाहिए तो आप इसके शुगर सिरप में ही डालें, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही अगर आपको गुलाब जामुन अगर अंदर से हॉलो चाहिए हो, अगर अंदर आपको खोखला चाहिए हो तो आप उसमें लशदाना का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की भी स्टफिंग कर सकते हैं।
ऐसा करने से भी हलवाई जैसी ही मिठाई बनती है। तो गुलाब जामुन को आप जरूर ट्राई करें। दोस्तों इसको शुगर सिरप में डिप करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के लिए इसी में छोड़ दें, जिससे कि ये शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों हमारे आधे घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हर एक गुलाब जामुन बिल्कुल खिला खिला बना है और साथ ही ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही मजेदार है। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स। होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी।